हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, जो कि अंक 4 का है, और उसमें टॉपिक चल रहा है कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, जिनमें मैं आपको पिछली क्लासों में 5 के बारे में बता चुका हूँ। नंबर 1 NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। नंबर 2 आपको समझाया था NaOH यानी सोडियम हाइड्रोऑक्साइड। नंबर 3 बताया था ब्रंजक चूर्ण। कौन सा बताया था? ब्रंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, CaOCl2। नंबर 4 बताया था बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, NaHCO3। और 5वें नंबर पर बताया था पिछली क्लास में धावन सोडा, Na2CO3 10H2O। और आज लास्ट है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी दैनिक जीवन कुछ उपयोगी यौगिक हैं, उनमें से लास्ट जो यौगिक है आपका, उसके बारे में बता रहा हूँ। और लास्ट है आपका प्लास्टिक ऑफ पेरिस, CaSO4½H2O, CaSO4, यानी इसका जो अड़सूत्र होता है CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O। 1/2H2O का मतलब है अर्ध हाइड्रेट। क्या कहते हैं? अर्ध हाइड्रेट। आई बात समझ में? तो इसका बनता है, इसका जो रासायनिक नाम बनता है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी जो पेरिस थी, उसमें सबसे पहले जिप्सम को, और जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 2H2O, यानी CaSO4 2H2O, यानी CaSO4 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। और 2 का मतलब डाइहाइड्रेट आ गया, डाइहाइड्रेट होता है। और 1/2 को बोल देते हैं अर्ध, अर्ध माने आधा। तो यानी जिप्सम को हम क्या करते हैं, अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो उसमें से क्या होते हैं, डेढ़ अणु क्या हो जाते हैं, जल के निकल जाते हैं, और शेष क्या रह जाता है, CaSO4½H2O। इसी को हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम POP या प्लास्टिक ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? POP या प्लास्टिक ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसको बनाया गया था, अतः इसका नाम क्या रखा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसे POP कहते हैं। क्या कहते हैं? POP कहते हैं। तो ध्यान देना, प्रश्न लिखना, प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। पहले ये प्रश्न बनता है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, और बाद में फिर आपको गुण और उपयोगों के बारे में समझाएंगे। तो देखिए, प्रश्न नोट करना, ध्यान देना, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, प्रश्न नोट कर लेना, प्रश्न डाल के और नोट करो, प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। आई बात समझ? प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, यानी इसका निर्माण कैसे किया जाता है, यानी किन किन कौन से पदार्थ से, अभी मैंने बताया जिप्सम से, किससे होता है, जिप्सम से। जो हम जिप्सम को क्या करते हैं, अधिक तापमान पर, यानी 393 केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो 393 केल्विन पर जब हम क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो वही इसी में प्रश्न में आप सम्मिलित कर लेना इसको, कि इसका निर्माण कैसे होता है, समझाइए। तो प्रश्न नोट कर लेना, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है समझाइए। तो देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, तो देखिए अभी मैं बता रहा था कैल्शियम सल्फेट
और कैल्शियम सल्फेट का जो अणु सूत्र होता है वो होता है CaSO4। क्या होता है? CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, अर्ध माने आधा, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, ध्यान देना कैसा, अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। आई बात समझे, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, क्या, अर्ध हाइड्रेट क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। आई बात समझे क्या कहलाता है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस, प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहलाता है। आई बात समझ, प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहलाता है। आई बात समझ में? तो देखिए प्रश्न आता है भाई प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए भाई कैल्शियम सल्फेट का जो अर्ध हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है जो अर्ध हाइड्रेट होता है वो क्या कहलाता है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहलाता है। निर्माण कैसे हो रहा है? तो इसकी एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया देखना कि जिप्सम जो होता है, ध्यान देना, जिप्सम जो होता है CaSO4 2H2O, ये क्या होता है? जिप्सम होता है, यानी CaSO4 2H2O, और इसको 393 कितना 393 केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। 393 केल्विन के का मतलब केल्विन, तापमान की इकाई होती है। तो देखिए क्या होता है, CaSO4 यानी CaSO4 और हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O प्लस, यानी प्लस जो आता है प्लस में क्या लिख देंगे, 3H2O, क्या लिख देंगे, 3H2O, 3H2O, और अभिक्रिया बैलेंस के लिए, अभिक्रिया बैलेंस के लिए इधर 2 लगा देना और इधर 2 लगा देना, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया कारक और जो उत्पाद होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्रियाकारक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं, उन्हें हम क्रियाकारक के नाम से जानते हैं, और क्रिया के अंत में जो हमें कुछ प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, हम उत्पाद या क्रियाफल के नाम से जानते हैं, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड, दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी जितने क्रियाकारक हैं, जितने अभिकारक हैं या उनको अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं, वो उत्पाद या क्रिया फलों के कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसको हम रासायनिक संतुलित अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो देखिए CaSO4 2H2O 393 केल्विन पर क्या किया, गर्म किया, और क्या बन गया, CaSO4 हाफ H2O और प्लस 3H2O। तो देखिए CaSO4 2H2O इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिप्सम, लिख लेना इसको, जिप्सम बोलते हैं। और निर्माण किसका हुआ है, पीओपी का, किसका हुआ है, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट का जो अर्ध हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट का जो अर्ध हाइड्रेट होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो देखिए अर्ध है कि नहीं है, CaSO4 हाफ H2O। और एक क्रिस्टलन जल के भी उदाहरण है, मैंने जो क्रिस्टलन जल के बारे में आपको बताया था, और क्रिस्टलन जल में ये पढ़ाया था कि किसी लवण के इकाई सूत्र में, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं के निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, और उसमें कई उदाहरण दिए थे, जैसे धावन सोडे का, धावन सोडे का सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र Na2CO3 10H2O, एक इसका उदाहरण दिया था, एक जिप्सम का भी दिया था उसमें CaSO4 2H2O, और एक पीओपी का भी उदाहरण आपके लिए दिया था उसमें कि CaSO4 हाफ H2O। तो ये आपका ये प्रश्न कंप्लीट, नोट करना इसको कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो निर्माण किससे हो रहा है इसका, जिप्सम से, कितने केल्विन तापमान पर, 393 केल्विन ताप पर, कितने ताप पर, 393 केल्विन ताप पर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। चलते हैं अगला जो इसमें प्रश्न बनता है, दूसरा इसमें प्रश्न बनता है, मृत तापित प्लास्टर किसे कहते हैं, यानी मृत तापित, यानी दूसरा इसमें जो प्रश्न बनता है उसको नोट कर लेना, क्योंकि इसमें से अभी मैंने आपको बताया था जल के अणु क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, किससे, जिप्सम से, किससे निकल जाते हैं, जिप्सम से। तो अगला प्रश्न बनता है कि मृत तापित प्लास्टर किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं? नोट कर लेना इसको, मृत तापिक प्लास्टर किसे कहते हैं? और इसका आंसर लिखना, नोट करना नोटबुक में, कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस को जो 393 केल्विन पर, कितने केल्विन पर? 393 केल्विन पर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो होता है इसको 393 ताप से कैसा करते हैं? हम अधिक ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो इसमें से जो संपूर्ण क्रिस्टल जल होता है वो भी क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो उसे मृत तापिक प्लास्टर के नाम से जानते हैं। गौर देना इसको, ऐसे समझना कि भाई जिप्सम, और जिप्सम को हमने 393 केल्विन पर क्या किया? गर्म किया। अब 393 केल्विन पर जब जिप्सम को हमने क्या किया है? गर्म किया है, तो क्या बन गया है? पीओपी। क्या बन गया? पीओपी। अब मृत तापिक प्लास्टर क्या होता है कि 393 केल्विन से भी अधिक पर इसको हम क्या करें? पीओपी को गर्म करें। तो इसमें जो शेष जलकाड़ू है, जो आधा जलकाड़ू शेष रह रहा है, वो भी क्या हो जाता है? निकल जाता है। इसलिए इसको मृत तापिक प्लास्टर के नाम से जानते हैं। यानी इसको क्या, किसके नाम जानते हैं? मृत तापिक प्लास्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो 393 केल्विन ताप से भी क्या करेंगे? अधिक ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो इसमें जो संपूर्ण जो अणु है, संपूर्ण जो क्रिस्टल जल है, वो क्या होता है? निकल जाता है। आई बात समझ में? तो बच्चों नोट कर लो इसको, उत्तर इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रांस की राजधानी जो पेरिस थी उसमें सबसे पहले इसको बनाया गया था। अगले प्रश्न में लिखा दूंगा इस बात को, फिलहाल में इतना ही समझ लीजिए भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों जुड़ा? क्योंकि फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस, सबसे पहले जिप्सम को वहां पर 393 केल्विन पर गर्म करके इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसके नाम के पीछे क्या जोड़ दिया? पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, अगला प्रश्न इसी के बारे में लिखाएंगे, तो नोट कर लो इसको, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को, पेरिस को 393 केल्विन ताप पर, कितने ताप पर? 393, ध्यान देना कितने, 393 केल्विन ताप पर, 393 केल्विन ताप से अधिक ताप पर, ताप से अधिक ताप पर, 393 केल्विन से अधिक ताप पर, किस पर? ताप पर क्या कर रहे हैं? उसको और अधिक गर्म कर रहे हैं 393 से भी। कैसा? 393 केल्विन ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर, यानी इसका तापमान हम 393 से कैसा कर दें? अधिक कर दें। तो अधिक ताप पर गर्म करने पर, गर्म करने पर इसमें से संपूर्ण क्रिस्टल जल, यानी ये क्रिस्टलन जल का उदाहरण है, इसलिए इसमें संपूर्ण क्रिस्टल जल, क्रिस्टल जल निकल जाता है। नोट कर लेना इसको, पूरा हो गया उत्तर, निकल जाता है, निकल जाता है, तो इसे मृत तापिक प्लास्टर कहते हैं। तो क्या कह देते हैं इसे? तो इसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। नोट कर लेना, दो प्रश्न आपके कंप्लीट। पहला प्रश्न था भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, और उसमें मैंने आपको समझाया कि कैल्शियम सल्फेट का जो अर्ध हाइड्रेट होता है वो प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया याद कर लेना भाई, जिप्सम को 393 केल्विन पर हम क्या करते हैं? जब गर्म करते हैं तो पीओपी का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। दूसरा प्रश्न था भाई मृत तापिक प्लास्टर किसे कहते हैं, और इसमें बता दिया था भाई प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो है पीओपी जो बना है CaSO4 ½ H2O, पीओपी का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है? CaSO4 ½ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, इसका एक रासायनिक नाम हो गया। यानी पीओपी तो इसका क्या है? एक व्यापारिक नाम है, सामान्य नाम है, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। अब इसको क्या करते हैं कि 393 केल्विन से भी ताप पर, अधिक ताप पर क्या करते हैं? इसको गर्म कर दें। तो इसमें से जो संपूर्ण क्रिस्टलन जल है, संपूर्ण मतलब जो 1/2 है, वो भी क्या हो जाता है? निकल जाता है। इसलिए इसको मृत तापिक प्लास्टर के नाम से जानते हैं।
और अगला प्रश्न इसमें नोट करना, अभी मैंने समझाया था अगला प्रश्न आपके लिए कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है, कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, और मैंने बताया था कि सबसे पहले जिप्सम को यानी 393 केल्विन पर गर्म करके और फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीओपी को बनाया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टिक ऑफ पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। तो वही प्रश्न है, इसको नोट कर लेना। प्रश्न नंबर अगला, तो नोट करो इसको, कैल्शियम सल्फेट, प्रश्न नोट कर लेना, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के, कैल्शियम सल्फेट के अर्ध यानी आधा, कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट को, कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पार्ट से आपको पता है 4 नंबर का ही पार्ट है, 2+2 के 2 प्रश्न आते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन भी जाते हैं कि कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। तो आंसर लिखना, अभी मैंने आपको समझाया, नोटबुक में नोट करना कि फ्रांस की राजधानी किसकी, फ्रांस की, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके, किसको, जिप्सम को गर्म करके, और जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 2H2O, जिप्सम का अणुसूत्र है। तो जिप्सम को गर्म करके और सबसे पहले इसे बनाया गया था, कहाँ पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था, सबसे पहले कहाँ बनाया गया था इसको, सबसे पहले इसे यानी जो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस थी उस वहाँ पर जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। अतः इसका नाम, नोट कर लेना, अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, अतः इसका नाम प्लास्टिक ऑफ पेरिस रखा गया। इसे पी ओ पी से प्लास्टर, ओ से ऑफ और पी से पेरिस, प्लास्टिक ऑफ पेरिस भी कहते हैं, इसे पी ओ पी भी कहते हैं, नोट कर लेना इस बात को भी, इसे पी ओ पी भी कहते हैं। आई बात समझ में। तो 3 प्रश्न इससे जो संबंधित थे उनके बारे में अब तक बताया। नंबर 1 है, इसमें समझाया कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। नंबर 2 हो गया इसमें मृत तापे प्लास्टर किसे कहते हैं, और 3 हो गया कि कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, और इसका जो लास्ट प्रश्न इसमें जो है वो उसके बारे में आप गुण और उपयोग कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, सूत्र, गुण तथा उपयोग लिखिए, यानी जो इसका अगला प्रश्न बनता है, इसमें अगला प्रश्न बनता है भाई प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम तो मैंने कई बार आपको समझा दिया है, रासायनिक नाम क्या होता है इसका, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, सूत्र क्या होता है इसका, CaSO4 1/2 H2O, इसका क्या है, सूत्र हो गया। तो पहले प्रश्न नोट कर लो, उसके बाद फिर इसके गुण और उपयोगों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए पहले प्रश्न नोट कर देते हैं, तो प्रश्न नोट करना, तो लिखना प्रश्न की प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का
रासायनिक नाम का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कौमा सूत्र कौमा गुड़, यानी क्या क्या इसमें गुड़ पाए जाते हैं या क्या उपयोग और किन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा रहा है। सूत्र तथा उपयोग लिखिए, गुड़ तथा उपयोग लिखिए। तो दो बिंदुओं के बारे में तो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है, इसका रासायनिक नाम और सूत्र। तो पहले दोनों इनको लिख लो, फिर इसके गुण और उपयोग के बारे में समझाएंगे। तो लिखना उत्तर डाल के नोटबुक में नोट करना कि इसका जो रासायनिक नाम होता है किसका, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का, इसका रासायनिक नाम इसका एक साम, प्लास्टिक ऑफ पेरिस तो इसका सामान्य नाम है, व्यापारिक नाम है। जैसे मैंने अब तक आपके लिए सिलेबस में 6 के बारे में समझाया, अंतिम चल रहा है कि दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ लवणों के बारे में पढ़ा रहे हैं या यौगिकों के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। तो उनमें नंबर एक NaCl, तो NaCl का भी साधारण नाम मैंने क्या बताया था, नमक बताया था। दूसरा समझाया था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सामान्य नाम या व्यापारी नाम कास्टिक सोडा बताया था। तीसरा पढ़ाया था CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सामान्य नाम मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण बताया। नंबर आप चौथा जो था वो पढ़ाया था मैंने आपके लिए NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा या पाक सोडा के नाम से भी जानते हैं। और नंबर अगला जो पांचवा था पिछली क्लास में जिसको समझाया था, धावन सोडा, जिसका रासायनिक नाम तो क्या होता है धावन सोडे का, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी Na2CO3 10H2O, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। लेकिन इसका जो सामान्य नाम या जो व्यापारिक नाम मैंने आपको बताया था, व्यापारिक या सामान्य नाम जो इसका था वो क्या था, धावन सोडा, यानी कपड़े धोने के सोडे के नाम से भी इसको जानते हैं। आई बात समझ में? तो वो इसी तरह इसका प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है, यानी प्लास्टिक ऑफ पेरिस तो क्या है, इसका व्यापारिक नाम है, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। तो नोट कर लेना, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। सूत्र इसका नोट कर लेना, कई बार समझाया है रासायनिक अभिक्रिया में भी इसको बताया आपके लिए। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका सूत्र CaSO4 ½H2O, हाफ मतलब आधा, अर्ध, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, अर्ध हाइड्रेट होता है, यानी CaSO4 ½H2O है। अब देखिए इसके क्या है, गुण और उपयोग तो देखिए समझना पहले इसको, उसके बाद इसको नोट कराएंगे आपको। तो पहले ध्यान से समझना इसके गुण। तो देखिए नंबर एक गुण क्या होता है, कैसा होता है, श्वेत होता है, श्वेत का मतलब सफ़ेद, गुण बता रहे हैं इसके। तो कैसा होता है नंबर एक, श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, ठोस होता है, और कैसा होता है, चिकना होता है। नंबर एक गुण है इसका, ये श्वेत होता है, ठोस होता है, और कैसा होता है, चिकना होता है। कैसा होता है, चिकना, आई बात समझ? तो श्वेत हो गया, ठोस हो गया, और कैसा होता है, चिकना होता है। नंबर दूसरा है, इसमें जल मिलाने पर, क्या मिलाने पर, जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में क्या हो जाता है, यानी ठोस और कठोर हो जाता है। यानी ध्यान देना, प्लास्टिक ऑफ पेरिस होता है, यानी CaSO4 ½H2O, ये होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस, यानी POP, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। अब इसमें क्या करते हैं, जल और मिला दिया, तो आप जानते हैं जैसे इसमें अधिक मात्रा में जल मिलाते हैं तो 15 से 20 मिनट में क्या हो जाता है, और अधिक कठोर और कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। आई बात समझ? तो इसके दो ही गुण हैं।
अब दो गुड़ के आप पॉइंट चार बना सकते हैं, जैसे ये श्वेत होता है, ये ठोस होता है, ये चिकना होता है, और इसमें क्या यानी जल मिलाने पर, यानी प्लास्टिक और पेरिस में क्या मिलाने पर, जल मिलाने पर, प्लास्टिक और पेरिस में जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में क्या हो जाता है, ठोस और कठोर हो जाता है। अब क्रिया इसकी बाद में वही अभिक्रिया है रिवर्स हो जाएगी, CaSO4 हाफ H2O और 3H2O, और क्या बना दिया, जिप्सम बना दिया, यानी CaSO4 2H2O। तो अभिक्रिया रिवर्स हो जाती है, इसी से इसका निर्माण हो रहा है भाई जिप्सम को। जब 393 केल्विन पर हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो POP का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उपयोग तो देखिए, उपयोग भवन निर्माण में, किसमें, नंबर एक उपयोग किसमें, भवन निर्माण में, यानी मकान जो होते हैं उन पर भी आपने देखा हो क्या करते हैं, POP करते हैं, नहीं करते हैं POP, विभिन्न प्रकार की कलाकृति बनाने में, यानी भवन निर्माण में विभिन्न प्रकार की जो कलाकृति होती हैं वो बनाने में, देखा होगा आपने मकानों POP भी करते हैं, विभिन्न प्रकार कलाकृति भी बनाते हैं POP के द्वारा। नंबर तीसरा है कि टूटी हुई जो हड्डियां होती हैं, यानी व्यक्ति की जो हड्डियां टूट जाती हैं, टूटी हुई जो हड्डियां होती हैं उनको जोड़ने में, यानी टूटी हुई जो हड्डियां होती हैं उनको जोड़ने में, यानी कहीं किसी व्यक्ति की चोट के कारण, किसी कारण हड्डियां क्या हो जाती हैं, जब टूट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो जो सर्जन होते हैं टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में इस POP का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो तीन उपयोग हो गए, नंबर एक भवन निर्माण में, नंबर दूसरा क्या हो गया, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, विभिन्न प्रकार की कलाकृति बनाने में, यानी विभिन्न प्रकार जो कलाकृति होती है उनको बनाने में। अगला है मूर्तियां आदि सजावटी सामान बनाने में, यानी मूर्तियां होती हैं, इसके अलावा जो अन्य सजावटी सामग्रियां होती हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर अगला है दंत चिकित्सा में, किसमें, दंत चिकित्सा में, यानी जब व्यक्ति का क्या होते हैं, कृत्रिम रूप से जब दांत लगवाते हैं, ध्यान देना दांत जो होते हैं, मैंने दांतों के बारे में बहुत कुछ आपको बताया कि दांत जो होते हैं वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, कितनी होती है, 32। 16 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 16 कैसे होते हैं, निचली जबड़े में होते हैं, 32 होते हैं। और दांत जो होते हैं दो, यानी दांत जो होते हैं दो, यानी व्यक्ति द्विवार दंती होता है, यानी दांत दो बार आते हैं, इसका मतलब है द्विवार दंती का मतलब है व्यक्ति में दांत कितने बार आते हैं, दो बार। एक बार जो आते हैं पहले वो अस्थाई दांत होते हैं, कैसे होते हैं, अस्थाई, जो बच्चे में आते हैं जिनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और दूसरी बार जो दांत आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम स्थाई दांत के नाम जानते हैं, जो वयस्क व्यक्ति में उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या 32 होती है, यानी 16 निचले जबड़े में और 16 ऊपरी जबड़े में। और दांतों के प्रकार के बारे में भी मैंने आपको स्पष्ट किया था एक दिन कि दांत चार प्रकार के होते हैं, कृतक, रधनक, अर्कचवणक और चवणक, यानी कृतक, रधनक, प्रीमोलर बोल देते हैं इनको, अर्कचवणक को, और मोलर यानी चवणक के नाम से जानते हैं। तो दांत द्विवार दंती होते हैं, द्विवार दंती लो, मनुष्य में दांत दो बार आते हैं। और इसके अलावा दांतों के बारे में मैंने बताया था कि जो दांत होते हैं हमारे शरीर के सबसे जो कठोर पदार्थ होता है कौन सा, इनेमल, इनेमल से बने होते हैं। और इसी पार्ट में मैंने आपको दंत क्षय के बारे में भी बताया था, PH का दैनिक जीवन में जो महत्व बता रहा था, तो उस समय दंत क्षय के बारे में भी समझाया। या किसी अन्य रीजन से हमारे दांत क्या हो जाएं, गिर जाएं, यानी दांत पहले कौन से आते हैं, अस्थाई, और अस्थाई बात कौन से आ जाते हैं, स्थाई। अब माना स्थाई दांत आ गए, वयस्क व्यक्ति है, किसी रीजन से दांत क्या हो गया, गिर गया, किसी चोट की वजह से या कोई दंत क्षय की वजह से, तो उसके स्थान पर जो कृत्रिम जो दांत लगाया जाता है वो किसका बना होता है, POP का ही बना होता है, प्लास्टिक और पेरिस का ही बना होता है। तो दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है, और अग्नि सह पदार्थ बनाने में, यानी अग्नि को सहन करने वाले पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कई उपयोग हो गए इसके, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, भवन बनाने में, मूर्तियां एवं अन्य सजावटी वस्तुएं बनाने में, इसके अलावा क्या होते हैं, दंत चिकित्सा में, और अग्नि सह निर्माण में। अग्नि सह का मतलब होता है जो अग्नि को, जिनमें क्या होती है, सहन करने क्या होती है, क्षमता होती है, ऐसे पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, इसके उपयोग, और गुण कितने हैं इसमें, दो। दो को वैसे आप चार पॉइंट बना सकते हैं भाई, एक ठोस होता है, श्वेत होता है, चिकना होता है, नहीं तो एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं तीनों को, कि ये ठोस, चिकना और कैसा होता है, ये ठोस होता है, श्वेत होता है, और कैसा होता है, चिकना होता है। अब इनको आप नोट कर लो, हैंड डालना गुड़, और गुड़ में नंबर एक पॉइंट लिखना, प्रश्न था आपका,
प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम मैंने आपको लिखा दिया, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। फिर था इसमें सूत्र, सूत्र मैंने आपको लिखा दिया CaSO4 हाफ H2O। अब इसका गुण, तो देखिए गुण में लिखना, नंबर एक पॉइंट ठोस, कैसा होता है, ठोस होता है, श्वेत होता है, ठोस श्वेत, और कैसा है, चिकना पदार्थ है, कैसा है, चिकना पदार्थ है, यानी चिकना पदार्थ है नंबर एक। नंबर दूसरा नोट करना कि इसमें जल मिलाने पर, बताया था मैंने आपको, इसमें जल मिलाने पर, इसमें जल मिलाने पर, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में, मिनट में, 15 से 20 मिनट में कैसा हो जाता है, ठोस और कठोर हो जाता है, कैसा हो जाता है, ठोस और कठोर हो जाता है, ठोस और कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठोस और कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। आई बात समझ में, ठोस और कठोर हो जाता है, आई बात समझ में, कठोर हो जाता है। और अब क्रिया लिख लेना, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3H2O, क्या 3H2O। और अब क्रिया के बाद क्या बना देते हैं, जिप्सम बना देते हैं, और जिप्सम के बारे में आप जानते ही हैं, जिप्सम कैसा होता है, कठोर होता है, ठोस और कैसा होता है, कठोर होता है। तो देखना जिप्सम क्या बना दिया, जिप्सम बना दिया, और ये क्या है, पीओपी, क्या है, पीओपी। आई बात समझे, पीओपी में जब क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं, तो 15 से 20 मिनट में क्या हो जाता है, ठोस और कठोर हो जाता है। और अब इसके लिख लो उपयोग, क्या लिख लीजिए, उपयोग, उपयोग में लिखना, नंबर एक भवन निर्माण में, किसमें, भवन निर्माण में, यानी मकान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर दूसरा मैंने अभी बताया था, दंत चिकित्सा में, यानी कृत्रिम दांत बनाने में, दंत चिकित्सा मतलब है कृत्रिम दांत बनाने में, दंत चिकित्सा में। नंबर तीसरा है मूर्तियां, मूर्तियां जो आती हैं ना, मूर्तियां, मूर्तियां आदि सजावटी सामानों में, मूर्तियां आदि सजावटी, यानी मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में, मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को, सामानों को बनाने में, बनाने में, सामानों को बनाने में। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, एंड टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। तो लिख लेना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई, टूटी हुई हड्डियों को, हड्डियों को जोड़ने में, जोड़ने में। और नंबर अगला है अग्निशह, अग्निशह पदार्थ के रूप में, अग्निशह पदार्थ के रूप में, किसमें, अग्निशह जो पदार्थ होता है उसके निर्माण में, यानी अग्निशह पदार्थ के निर्माण में, यानी अग्निशह पदार्थ के रूप में किया जाता है, अग्निशह पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो कितने उपयोग हो गए इसके, 5, नंबर 1 भवन निर्माण में, नंबर 2 दंत चिकित्सा में,
नंबर तीसरा है मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में, अगला है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, और अग्निशय पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये क्या हो गए, इसके पीओपी के उपयोग हो गए। तो रासायनिक नाम, सूत्र, गुण और उपयोग, आई बात समझ में, तो नोट कर लेना इसको। और अगला टॉपिक है इसमें साबुन और अपमार्जक, कौन सा है, साबुन और अपमार्जक। तो नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में, कि इनका निर्माण कैसे किया जाता है और इनका उपयोग कैसे होता है, यानी निर्माण और उपयोग साबुन और अपमार्जक। तो ध्यान देना, इनको नोट कर लो, 6 आपके जो थे यौगिक वो क्लियर हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक्स, ओके।